सेवक को तो भगवान ही मिलते हैं पूरे के पूरे, वो जब चाहे जिसे चाहे दे दे, उसके पास अधिकार आ जाता है भगवान को बांटने का, वो जिसे चाहे उसे दे दे। तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि महाराजा अम्बरीश की सेवा, इनका यश, इनकी भक्ति संसार में प्रकट हो। बस एक दिन आ पहुंचे दुर्वासा, और महाराजा अम्बरीश का नियम था, उन्होंने एक व्रत का अनुष्ठान लिया था कि वो द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे। अब दुर्वासा आ पहुंचे, महाराज ने बड़ा सत्कार किया, आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, मेरे घर आया करो आरती चरण पखारू, तन मन धन संतन पैवा। अर्धपाद्य आदि निवेदन किया, सुंदर आसन पर बैठाया, संतुष्ट कर दिया ब्राह्मण को। तो महर्षि दुर्वासा ने कहा भोजन करेंगे, बस स्नान करके आते हैं। 10,000 शिष्य महर्षि दुर्वासा के संग रहते थे, अब स्नान करने गए, थोड़ा विलंब हो गया और उधर जो पारण का समय था वो जा रहा था। तो महाराज ने विचार किया कि यदि पारण नहीं करता हूं तो व्रत भंग होता है, और यदि पारण करता हूं तो द्वार पर आए अतिथि को भोजन कराने से पहले स्वयं कैसे भोजन कर लूं, तो भी धर्म जाता है। तो महाराज गुरुदेव से पूछा, महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि कुछ नहीं, आप केवल भगवान का चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। निर्जल व्रत किया करते थे, तो केवल चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए, धर्म भी रहेगा और व्रत भी रहेगा। बात सबको उचित लगी, महाराजा अम्बरीश ने चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा आए, त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने देखा कि अम्बरीश ने पारण कर लिया। अब रुष्ट होने का कोई कारण तो था नहीं, अब महामुनि रुष्ट हो गए, समर्थ को नहीं, दोस्त गुसाई, अब बड़े लोग हैं, रुष्ट हो गए। अब हुआ क्या था कि दुर्वासा सहज में ही नहीं आए थे, दुर्वासा महाराज अम्बरीश की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। हुआ क्या कि कुछ काल से ऐसी घटना हो रही थी कि जब जब देवर्षि नारद मिलते थे तब तब महाराजा अम्बरीश की भक्ति की प्रशंसा करने लगते थे। और तुलसी बाबा कहते हैं, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह पे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ही है। ईर्ष्या बड़े बड़े साधकों को भी त्रस्त करती है, और साधकों को क्यों, सिद्धों को भी परेशान करती है। महर्षि दुर्वासा तो सिद्ध हैं, पर कहीं महाराज अम्बरीश की भक्ति से उनको ईर्ष्या होने लगी। तो वे देखकर तो आए कि आखिर ऐसी कैसी भक्ति अम्बरीश करता है, पहुंच गए, परीक्षा लेने आए थे। यदि परीक्षा लेने नहीं आते, और कबीर कह रहे संत के पास जाने की विधि क्या है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान, नहीं तो मत जाइए, लेकिन सत्संग में जाने की विधि यही है। क्रोध आ गया, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, क्रोध आ गया, विवेक नहीं रहा महामुनि का, अपनी एक जटा से कृत्या उत्पन्न कर दी कि जाओ अम्बरीश को नष्ट कर दो, इसे बड़ी अपनी भक्ति का अभिमान हो गया। और तुलसी बाबा कहते हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकार। भगवान का स्वभाव कैसा है, जो उनके सेवक की सेवा करे वो उनको प्रिय है, सेवक का सेवक अपना सेवक, और सेवक का बैरी अपना बैरी। मानत सुख सेवक सेविकाई, और मानत बैर बैर अधिकाई। महर्षि दुर्वासा जानते नहीं थे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सूरदास तो कहते हैं, जहां को मनमोहन अंग करे वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर पर है, जहां को मनमोहन अंग करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आज 10-15 मिनट और ले लूं तो चलेगा? द्वार बंद रखना भाई, खोलना नहीं,
क्योंकि ये जो प्रसंग आया इसमें मुझे एक बड़ा सुंदर भाव स्मरण आ गया, तो मुझे था कि दो चार पंक्तियां आपके साथ गुनगुना लूं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, देख नहीं पाए कि भक्त कभी अकेला नहीं होता। चक्रराज सुदर्शन सदा महाराजा अम्बरीश की रक्षा में तत्पर रहते थे। उस पृथ्वीपति का वो एक छत्र साम्राज्य रक्षित था भगवान के पार्षद से, भक्त का अहित कैसे हो सकता है? अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और महाराज इसी प्रसंग पर बड़ी सुंदर बात एक वाणी में फरमाते हैं। गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सांस सांस प्रतिपाले, तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई तत्तिवा न लग गई ब्रह्म सरना। बड़े सुंदर शब्द महाराज के, तू मेरा राखा सब नीथाई, तू मेरा राखा सब नीथाई, तापो के आपको अनुकूल हो आप सिर ढककर बैठिए। तुद पछाड़ा तू मेरा
पछाड़ा असाड़ा पाया।
सेवक बैर बैर अधिकाई। दुर्वासा ने कृत्या उत्पन्न की। चक्रराज सुदर्शन महाराज अम्बरीश की सेवा में सदा उपस्थित रहते थे। कृत्या को जलाकर भस्म किया चक्रराज सुदर्शन ने और दुर्वासा के पीछे भागे। यहां पर एक बड़ी विचित्र घटना घटती है कि दुर्वासा ब्रह्मलोक गए, कैलाश गए, किसी ने ठौर नहीं दी। समझ में आता है कि भगवान के अपराधी को कौन समर्थन दे, कौन शरण दे, कौन आश्रय दे। लेकिन भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया। वो भगवान जो कहते हैं कोटि विप्र वध लाग ही जाऊ आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं कि कोटि ब्रह्म हत्या के बाद भी यदि कोई शरण में आता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो सभीत आवा शरणाई राखों ताई प्राण की नाई। और दुर्वासा ने तो क्या क्या दुहाई नहीं दी। बोले अरे आप ब्रह्मण्य देव हैं, शरणागत प्रतिपालक हैं, भक्त वत्सल हैं, मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं अपनी रक्षा की याचना लेकर। और भगवान ने दो टूक बात कही, अहम भक्त पराधीन यस स्वतंत्र एव द्विज, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बोले आप स्वतंत्र नहीं है, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर, और आप कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधिकार में कर लेती है, ऐसे मेरे जो अनन्य भक्त हैं वो अपने पातिव्रत से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो हे ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूं और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उपाय बता सकता हूं, जिनका अपराध किया है उन्हीं के शरण में जाओ, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। यहां भगवान ने महाराज अम्बरीश के दैवीय गुण प्रकट किए कि जब दुर्वासा गए तो जैसे जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे थे ना और भरत जी के बाण से गिर पड़े थे और जब मूर्छित होकर गिर पड़े तो भरत जी ने क्या कहा, जो मोरे मन बच रुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया, तू कपि हो विगत श्रम सूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। कि यदि मेरे मन में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की विमल भक्ति हो तो उसका उसका प्रसाद मुझे क्या मिले। तू कपि हो ही विगत श्रम सूला, इनका कष्ट दूर हो जाए जो रघुपति मोह पे अनुकूला, अगर भगवान मुझ पर अनुकूल हो तो। तो महाराज अम्बरीश ने जल हाथ में लेकर कहा कि यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा मैंने अपने तन मन प्राण केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में निवेदन किए हो, यदि मेरे मन में श्री कृष्ण की भक्ति स्थिर हो, यदि मेरी भक्ति पतिव्रता हो, अव्यभिचारिणी हो, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी कोई और आश्रय ना लिया हो और यदि श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो तो ये ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, इस ब्राह्मण का कष्ट दूर हो जाए। आज पहली बार महर्षि दुर्वासा को भेद पता चला कि तप से जो प्राप्त किया जाता है उसका गुण क्या होता है, प्रयास से जो प्राप्त किया जाता है वो वस्तु कैसी होती है, और भगवान के और भक्त के प्रसाद से जो वस्तु मिलती है वो वस्तु कैसी होती है। इतने धीर गंभीर महाराजा अम्बरीश की कृत्या जलाने के लिए खड़ी है वो तो भी वैसे ही मुस्कुराते अपने प्रभु के चरणों के ध्यान में, संकोच हो रहा है। महाराजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा से कहा कि आप इस प्रकार मुझे दीनता भरे वचन न कहें, मैंने जिस कुल में जन्म लिया है वहां हमने जन्म से ब्राह्मणों को अपना इष्ट माना है, अपने आराध्य समझकर उनके चरणों की सेवा की है। तो कपि हो ही विगत श्रम सूला जो मोह पर रघुपति अनुकूल। हे प्रभु यदि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी है, पतिव्रता है, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा, ये वैष्णव का गुण है, ये भगवान के सेवक का गुण है, इसलिए मैंने कहा सेवा आपके जीवन में भगवदीय संपत्ति लाएगी, सेवा आपको कुछ और बनाएगी, सत्संग की कृपा से जीवन में सेवा स्थिर होगी। और महाराजा अम्बरीश ने जैसे संकल्प का जल छोड़ा चक्रराज सुदर्शन शांत हो गए।
दुर्वासा ने पहली बार भक्ति की शक्ति भी देखी और भक्ति का गौरव भी देखा। भगवान महर्षि दुर्वासा ने भक्ति का स्वभाव भी देखा और भक्ति का प्रभाव भी देखा और फिर कहा कि इस लोक में अगर सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो वो यही है। इतनी विनय मेरे राधा रमणा, करू तेरी सेवा, रहूं तोरे अंगना। इसीलिए सूर कहते हैं अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जिस घड़ी आपका मन, आपकी वृत्ति, आपका विचार इस भाव में स्थिर होता है कि आप प्रभु के सेवक हैं, प्रभु स्वामी हैं, और सेवक और स्वामी का संबंध कितना स्नेह से परिपूर्ण है कि स्वामी ऐसा है जो अपने सेवक से बढ़कर किसी को नहीं मानता। पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, सेवक सम प्रिय मुहे को नाही, स्वामी ऐसा है। फिर इस प्रकार सत्संग से आरंभ हुई यात्रा आपको सेवा की संपत्ति देती है और सत्संग और सेवा के जीवन में स्थिर होते ही प्रसाद स्वरूप मिलता है, क्या? सुमिरन। श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की बिनसै चिंत। श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की। सार स्वरूप बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। जीवन में किसी भी प्रकार प्रयास करना, प्रयास करने की सामर्थ्य भगवान ने आपको देकर भेजा है, आप मनुष्य हैं, लेकिन संसार के लिए प्रयास ना करना, वो बिना ही प्रयास आपके पास आएगा, जितना आपका है आएगा, और जब आपका नहीं है तब आपको बिना सोचना दिए चला भी जाएगा। पहले दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि संसार की वस्तु आपको बताकर आती भी नहीं और आपसे पूछकर जाती भी नहीं, स्मृति बिना बताए आती है और बिना ही बताए चली भी जाती है। और कबीर जी तो दूर से खड़े हंस देते हैं, बोले नारी पुरातन पुरुष की क्यों ना चंचला होए, बोले परम पुरुष की नारी है चंचला क्यों ना हो, अपनी इच्छा से आती है, अपनी इच्छा से चली भी जाती है। जब अपनी ही इच्छा से आना है और अपनी इच्छा से चले भी जाना है, जिसे आपकी बात सुननी नहीं माननी नहीं, उसे उससे आपको बात करनी क्यों है? उससे करिए जो आपकी सुने, उससे करिए जो आपकी माने। प्रभु सुनेंगे भी और प्रभु मानेंगे भी, संसार ना तो सुनेगा और ना मानेगा, प्रभु सुनेंगे भी और प्रभु मानेंगे भी। तो बस जीवन में किसी प्रकार से ये विवेक बना रहे और विवेक जगा रहे, विवेक बना रहे, विवेक शक्ति आपकी बढ़ती रहे, इसके लिए एक ही प्रयास है, एक युक्ति है, एक ही साधन है, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि भाई एक सिरा पकड़ लीजिए, गुत्थी सुलझ जाएगी, ये उलझी हुई गुत्थी सुलझ जाएगी, आप एक सिरा पकड़ लीजिए और बस वो एक सिरा यही सत्संग है। सतत प्रार्थना करिए प्रभु से कि प्रभु ये मेरे पुण्य बल से मुझे नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता, आप कृपा भरी दृष्टि रखें, जीवन में किसी सत्पुरुष का संग बना रहे, किसी श्रेष्ठ पुरुष का संग बना रहे, कुछ अनुभूति प्राप्त लोग आपके निकट रहें, ये भाव भावना आपके जीवन में सुदृढ़ रहे, समृद्ध होती रहे। इसी भाव के साथ ये 3 दिवसीय जो भी भगवत चर्चा व्यासपीठ के माध्यम से प्रसाद मुझे मिला, मैंने भी आस्वादन किया, आपको भी वितरित करने का प्रयास किया। ये भाव यहीं श्री युगलपाद पद्मों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, संग लाडिनी वाल, जय 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 श्री वृंदावन, यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन।
सखिन संग राजत जुगल किशोर जय 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 श्री वृंदावन गीत चले भोर जय 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 श्री वृंदावन आनंद जग तोर न छोर जय 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 श्री वृंदावन प्रेम की नदी बहे चमोर जय 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 श्री वृंदावन दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम जय 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 श्री वृंदावन चौदिस गूंजत राधा नाम जय 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 श्री वृंदावन नैनन निरखिय श्यामा श्याम जय 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 श्री वृंदावन मन वाले त परम विश्राम जय 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 श्री वृंदावन धन धन श्री किन का प्रसाद जय 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 श्री वृंदावन पाए सब मिटे है विषय विषाद जय 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 श्री वृंदावन सब सुख एक पीत के स्वाद जय 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 श्री वृंदावन सर्वस्व मान्यो हित प्रभु पाद जय 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 श्री वृंदावन धन ब्रिजवासी बड़ भाग जय 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 श्री वृंदावन जिनके ही है सहज अनुराग जय 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 श्री वृंदावन लेत रास हिडोला भाग जय 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 श्री वृंदावन गौवत जीवत जुगल फुहाग जय 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 श्री वृंदावन शबीली वृंदावन की बेल जय 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 श्री कर युगल रफ केल जय 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 श्री वृंदावन मंद मुख कात अंश भुज मेल जय 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 श्री वृंदावन रसिक दै कोटि मुक्ति पग पेल जय 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 श्री वृंदावन पावन वृंदावन की धूल जय 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 श्री वृंदावन बर्फ किए पाप ताप सब दूर जय 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 श्री रफिक जनन की जीवन मोर जय 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 श्री वृंदावन को राज सदा भरपूर जय 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 श्री वृंदावन रफीली मन मोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन कौन हर वंशी समरस दैन जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश